तो आ चुका है क्वेश्चन हमारे सामने, देख सकते हैं चार में किस संख्या से गुना करें कि पांच हो जाए। चार में ऐसी कौन ऐसी संख्या है जिससे हम गुना करेंगे तो पांच होगा। तो याद रखें यहाँ पांच है, यहाँ चार लिख देंगे, गुना का चिन्ह दे देंगे। आंसर क्या मांग रहा है? पांच। और बाटा में नीचे क्या कर देंगे? चार। चार से चार कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया? सेम तरह से भी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ओके।